सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया है। कोर्ट ने कमीशन को फटकार लगाते हुए कहा हलफनामा दाखिल करने को कहा। साथ ही आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है। इस साल प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने से पहले ही किसानों को पराली जलाने से रोका जाना जरूरी है। जस्टिस अभेस ओक ने और साथ ही ऑक्सटिन मसीहा की बेंच ने कमीशन से सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को पराली नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों का इस्तेमाल हो। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि कमीशन की सब कमेटी की बैठक साल में सिर्फ 4 बार होती है। कोर्ट ने बैठकों का ब्यौरा मांगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को CAQM एक्ट की धारा 14 में प्रदूषण करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भी अधिकार है, लेकिन कमीशन ने 2021 में अपने गठन के बाद से कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं साथ ही आपको बता दें जस्टिस ओका ने कहा कि अधिनियम का पूर्णतः गैर अनुपालन हुआ है। कृपया हमें अधिनियम के तहत किसी भी हितधारक को जारी किया गया भी एक निर्देश दिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी AASG ऐश्वर्य भाटी ने एक हलफनामा पढ़ा जिसमें संकट से निपटने के लिए सलाह और दिशा निर्देश जारी करने जैसे कदमों की रूपरेखा दी गई थी। हालांकि अदालत ने इन प्रयासों से प्रभावित नहीं हुई। जस्टिस ओका ने कहा कि यह सब हवा में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली NCR राज्यों में क्या किया गया है इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है। वहीं इससे पहले आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले को लेकर फटकार लगा चुका है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े देखें तो मंगलवार शाम 5 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 200 के पार चला गया। ये पुअर कैटेगरी में माना जाता है। दिल्ली ही नहीं आसपास के शहरों का भी हाल कुछ इससे अलग नहीं है। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा का AQI 208 और गाजियाबाद का तो 300 के पार दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन यहां भी AQI 150 के पार था जो सांसों की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए जानलेवा है। वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार सुबह इस मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से पूछा कि आखिर देश में पराली फिर से कैसे जलने लगी। कोर्ट ने कहा हमने इसके बारे में सख्त निर्देश दिए हैं, तो पराली जलाने पर रोक क्यों नहीं लग रही? हमें बहाना नहीं, हमें जवाब चाहिए। हमें बताएं कि पराली जलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।